गर्मी का मौसम और रशे में क्या प्यासी रहेगी दिल्ली। सवाल ये उठता है कि क्या मुनक नहर के टूटने से दिल्ली में पानी की जो किल्लत है वो होगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर बाहरी दिल्ली के बवाना में अभी हम मौजूद और तस्वीरें देख सकते हैं जो मुनक नहर है जिससे दिल्ली को पानी सप्लाई होता है और यही पानी जो दिल्ली पीती है। और ये नहर फिलहाल टूट चुकी है, देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो पानी का जो कटाव है, नहर का कटाव वो हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर बवाना जे कॉलोनी क्लस्टर एरिया है और वहाँ पर घरों के अंदर जो पानी है वो पूरी तरह से घुस चुका है। ऐसे में जो लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान है। प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तरह से प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। सैंड बैग देख सकते हैं जो यहाँ पर मिट्टी के जो बैग है वो युद्ध स्तर पर काम जारी है, वो भरे जा रहे हैं और तुरंत ही जो यहाँ पर जो कटाव है उसको बंद करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका यही कहना है इसको जल्द से जल्द बंद किया जाएगा और उसके बाद जो पानी है, क्योंकि मुनक नहर का जो पानी है वो पीछे से बंद कर दिया गया है और जो हैदरपुर वाटर प्लांट है, ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ से दिल्ली को जो पानी है वो सप्लाई होता है, फिलहाल वहाँ पर भी जो पानी की है वो किल्लत हो गई। और ऐसे में लोग काफ़ी आज प्यासे रहेंगे दिल्ली में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो ये यहाँ पर काम चल रहा है, ये जो नहर टूटी है, क्या ये तेज़ बहाव की वजह से टूटी है या किसी की शरारत, ये जांच का विषय है। लेकिन जो नहर को बंद करने का काम है पीछे देख सकते हैं वो काफ़ी यहाँ पर स्पीड से चल रहा है। लगातार जो यहाँ पर मजदूर है वो लगाए गए हैं, मिट्टी के जो बैग है वो भरे जा रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करेंगे। सर ये बताइए कि कब ये टूटा था, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के, रात में 12:30-1 बजे के लगभग टूटा है। और क्या कहते हैं, दूसरी बार जो ना लीकेज ना थोड़ा 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 पहले से ही हो रहा था, लेकिन ये नहर वाले ध्यान नहीं देते थे इधर को, इस साइड में हम क्या शिकायतें की गई थी पहले, शिकायत पर सारे रिपोर्ट किया हुआ है। हाजी नहर गड्ढे हो रहे हैं, इनको सही किया जाए, पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद रात को मैंने, बहुत दूर थे आज, मैं 1:30 बजे करीब काम पर से आया, फिर बच्चे ने बोला पापा इसी से पानी भर रहे हैं, चलो बच्चा बाहर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बाहर चलो बाद में देखेंगे। इसलिए तो कब से कटा, रात को सर 1:30 बजे करीब। आपने पहले शिकायतें की थी इरीगेशन विभाग को? हाँ, जो हमने कभी 2-3 महीना पहले बात की थी, पहले मैंने दिखाया था, हमने उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला ठीक कोई बात नहीं आप अपना काम करो, मैंने ठीक है जी। हाँ जी, क्या बता रहे थे आप? ये मैं कह रहा हूँ सिंचाई वाले यहाँ से पाइप लगा के पंप सेट और वही सिंचाई करते थे, तब यहाँ से क्रॉस हो गया था, तब ये जाके टूटा होगा, रात को 1:30 बजे टूटा है। कितने घरों में पानी घुसा है? पूरे घर कॉलोनी है सर, पूरी एल ब्लॉक सी ब्लॉक सारे पूरी कॉलोनी है। शासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई अभी तक? क्या अभी सर पता नहीं, नहीं सर नहीं पता, अभी कोई नहीं पता सर जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ टेंट वगैरह कुछ व्यवस्था कुछ भी, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं, आप चल के देख सकते हो, कोई फैसिलिटी नहीं है। एल ब्लॉक में पानी इतना भरा हुआ है, ये कॉलोनी जो है इसमें पूरा इतना पानी भरा हुआ है, बच्चे तो तैर तैर के निकल, बच्चे अंदर कुछ लोग फंसे अभी भी नहीं, बच्चे वो सब निकल गए हैं, वो सब निकल गए हैं, रोड पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, बात की जाए तो जो प्रशासन है वो यहाँ पर देर रात पहुँच गया था और जितने लोग थे उनको सभी को रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इरिगेशन विभाग को पहले से सूचना दी गई थी तो इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या प्रशासन को इसकी कोई पहले से सूचना के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं की गई तो सवाल ज़रूर उठता है कि क्या प्रशासन को इंतज़ार था कि नहर का जो कटाव है वो बढ़े और मुश्किलें लोगों के लिए पैदा हो और देश की जो बात की जाए राजधानी दिल्ली है उसकी जनता प्यासी रहे। राजेश खत्री, बाहरी दिल्ली, बवाना।